बॉलीवुड की सदाबहार और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस रही थी स्मिता पाटिल। स्मिता को सिल्क स्मिता के नाम से भी जाना जाता था और जब भी स्मिता का जिक्र होता है तो उसके साथ साथ उनकी निजी जिंदगी की चर्चा भी जरूर होती है। आखिर महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली स्मिता ने अपने करियर की शुरुआत बतौर टीवी एंकर जो की थी। कम उम्र में ही करियर में खूब सक्सेस देखने वाले स्मिता ने इससे दुगने दुख अपनी निजी जिंदगी में झेले। आखिर जब एक्ट्रेस को प्यार हुआ तो वो शख्स पहले से ही शादीशुदा था, जिनके साथ एक्ट्रेस ने लिव इन भी किया तो उनके नाम के आगे होम ब्रेकर का टैग तक लगा दिया गया। तो आज स्मिता को पूरी दुनिया याद कर रही है। आखिर आज स्मिता की बर्थ एनिवर्सरी जो है, आज ही के दिन 1955 में स्मिता का जन्म हुआ था। मराठी स्कूल से पढ़ने वाली स्मिता ने बिग स्क्रीन से पहले जिस कैमरे के आगे काम किया वो था एक न्यूज चैनल। जी हाँ, एक्ट्रेस बनने से पहले स्मिता दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी। खास बात यहाँ ये है कि सड़क पर गिरी स्मिता की तस्वीरें ही उनके एंकर बनने के काम भी आई थी और फिर यहीं से स्मिता के एक्टिंग करियर की राहें भी बनी। आखिर डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने स्मिता को पहली बार टीवी पर ही जो देखा था और उन्हें देखने के बाद अपनी फिल्म में उन्हें साइन करने का मन भी बना लिया था। साल 1975 में आई फिल्म चरणदास चोर से स्मिता ने अपना डेब्यू किया। इसके बाद एक्ट्रेस को नमक हलाल, मंथन, अर्थ और आज जैसी फिल्मों में भी देखा गया। हालांकि फिल्मों से ज्यादा चर्चा स्मिता की पर्सनल लाइफ की ही हुई। आखिर एक्ट्रेस को पहले से शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से प्यार जो हो गया था। जी हाँ, साल 1982 में फिल्म भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज बब्बर की पहली मुलाकात हुई थी। 10 की स्मिता के चार्म को देख राज पहली नजर में ही उनसे प्यार कर बैठे थे, बावजूद इसके कि वो पहले से मैरिड थे। जिस साल स्मिता ने डेब्यू किया उसी साल राज ने नादिरा से शादी की थी। शादी के बाद दोनों एक बेटी जूही और बेटे आर्या के माता पिता भी बने। लेकिन स्मिता के प्यार का असर राज पर कुछ ऐसा था कि एक्टर ने अपनी पत्नी नादिरा और दोनों बच्चों तक को भुला दिया था और नादिरा को तलाक दिए बिना ही राज ने स्मिता संग पहले लिव इन किया और फिर एक्ट्रेस से शादी भी कर ली। दूसरी ओर स्मिता के माता पिता भी शादी से खासा खुश नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मिता की माँ उनके रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ थी। स्मिता को उनकी ही माँ ने घर तोड़ने वाली लड़की का टैग तक दे दिया था और स्मिता की माँ ही नहीं बल्कि पूरे जमाने ने भी एक्ट्रेस के लिए यही बातें कही। लोगों ने स्मिता पर राज और नादिरा का बसा बसाया घर तोड़ने के आरोप लगाए थे। वहीं राज की दूसरी बीवी बनने के बाद स्मिता और उनका एक बेटा प्रतीक भी हुआ। हालांकि राज और स्मिता की गृहस्थी ज्यादा वक्त तक नहीं टिकी थी। बेटे प्रतीक को जन्म देने के कुछ वक्त बाद ही मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के चलते स्मिता पाटिल की मौत हो गई थी। महज 31 साल की उम्र में एक्ट्रेस इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। जब स्मिता की मौत हुई तो उनके शव को 3 दिनों तक बर्फ में रखना पड़ा था क्योंकि उनकी बहन अमेरिका में रहती थी और उन्हें इंडिया आने में वक्त लगा। जब स्मिता की अंतिम यात्रा निकली तो उससे पहले दीपक ने ही स्मिता के पार्थिव शरीर का सुहागन की तरह मेकअप भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।